नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आपके लिए हम इस वीडियो में एक न्यूज़ लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, वो न्यूज़ ये है कि आपके UGC नेट का और GRF का एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो गया है। फ्रेंड्स, NTA.ac.in पे आपके जो नेट का ऑफिशियल जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है फ्रेंड्स, वो NTA है। और उसके आधिकारिक वेबसाइट पे फ्रेंड्स प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 सितंबर से ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हो जाएगा आपका उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। और फ्रेंड्स, यस, ओपन हो गया है, तो आप जल्दी से अपना फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप करिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर लेट करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम्स, ये सब इरर्स बहुत आने का चांसेस रहता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको फ्रेंड्स फॉर्म फिलअप करना है, किस डायरेक्शन में कहां कहां आप जाएंगे, तो कैसे कैसे आपको फ्रेंड्स वेबसाइट आपको ओपन होगी, कैसे वेबसाइट आपकी खुलेगी। तो देखिए, NTA.ac.in पे इजीली अगर कोई नॉर्मली जाता है फ्रेंड्स, तो वो बहुत इजी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ेगा। तो हम आपको अपने इस वेबसाइट के फ्रेंड्स कैसे आपको जाना है माध्यम से आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे, हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे देंगे, जिसके माध्यम से आप एक क्लिक पे डायरेक्ट उस पेज पे जाएंगे जिस पेज पे आपको सबमिट करना है अपना एप्लीकेशन फीस और आपका इमेज और सिग्नेचर जो अपलोड करना है, तो सब वो आपका एक ही क्लिक से होगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने भी देखा कि बड़े इजीली तरीके से हम वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे थे, 1-2 प्रोसेस था उसके बाद हम पाते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ डायरेक्टली आप पहुँचेंगे तो कोई रिस्क नहीं होगा आपको इधर उधर भटकने का। तो देखिए, पहले क्या करना है फ्रेंड्स, आपको NTA.ac.in पे जाना है नॉर्मली। उसके बाद देखिए, आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो ये आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वैसे आपको शो होगा ये दो, यहाँ पे फ्रेंड्स एक रहेगा ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन और एक रहेगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आगे जाना है, क्योंकि इसका यूज़ तभी करेंगे जब एक बार आप रजिस्टर हो जाएंगे, फिर अगर कोई प्रोसेस आपको करना है, कोई दिक्कत हो, क्या इधर हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वरना आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे ही क्लिक करेंगे, यानी कि अप्लाई फॉर UGC नेट दिसंबर 2018 पे ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी फ्रेंड्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, फ़ीस कैसे हैं, कौन कौन लोग क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, कितनी फ़ीस देनी है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो देखिए, एक गुड न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है, आपकी फ़ीसें कम कर दी गई हैं फ्रेंड्स। देखिए, जनरल की फ़ीस यहाँ पे 800 किया जा रहा है, जो पहले 1000 होती थी, और देखिए OBC का 400 कर दिया गया है, और SC ST और PWD का 200 फ़ीस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक कहें तो ये भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि फ़ीस आपका कम कर दिया गया है। चलिए, उसके बाद नीचे आपको जाएंगे तो एक चेक बॉक्स बना है, चेक बॉक्स में क्लिक करके नीचे आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है, अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए, आपको ये पेज आएगा खुल के, ये पेज आपको खुल के आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे फ्रेंड। तो देखिए, यहाँ पे आपका रेजिडेंस यहाँ पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप, यानी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फलाना ढिकाना जो भी कार्ड आपके पास है वो आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे लेगा। उसके बाद उसका नंबर, कैंडिडेट नेम, DOB यहाँ पे, और जेंडर, उसके बाद आपको सबमिट कर देना फ्रेंड्स। ये प्रोसेस पूरा जब हो जाएंगे फ्रेंड्स, डिटेल आपके डालने के बाद आपका PG का डिटेल पूरा का पूरा फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आएगा इमेज और आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फ्रेंड्स, वो जो आप क्लिक कर देंगे वो अपलोड कर देंगे, तो फाइनली आपका पेमेंट करने के लिए आएगा। तो फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है अपने डॉक्यूमेंट का, जो वहाँ पे आपको मिलेगा, या आप उसका नंबर अपने पास रख लें। ओके फ्रेंड्स, चलिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए था फ्रेंड्स, जो कि UGC नेट दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए हम आपके लिए लेके आए थे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कुछ इसके रिगार्डिंग आपके UGC नेट के लिए, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन शुभ हो।